नमस्कार दोस्तों, विलेज स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र राज्य के अंदर बंद रहे औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी या कहे तो ऑरिक सिटी भारत में बनाई जा रही एक इंडस्ट्रियल सिटी है। दोस्तों, भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसी के साथ दोस्तों भारत की जनसंख्या का शहरीकरण भी हो रहा है, इसलिए भारत जैसे देश में ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ग्रीनफील्ड सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी की जरूरत है। भारत में कई ग्रीनफील्ड सिटीज का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित की जा रही ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑरिक की बात करेंगे। दोस्तों, ऑरिक इंडस्ट्रियल सिटी 4000 हेक्टेयर यानी कि 10000 एकड़ के क्षेत्र में बसाई जा रही है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी। दोस्तों, ऑरिक सिटी औरंगाबाद सिटी के बगल में एक सैटेलाइट सिटी है। ये सिटी सैनेंद्रा बिंदकिन क्षेत्र में स्थित है और दोस्तों ये सिटी 7 सितंबर 2019 से ही ऑपरेशनल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑरिक सिटी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सो दोस्तों इसमें 16% इसके लैंड का यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होगा। और ऑरिक सिटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से संबंधित उद्योग लगेंगे। बचे 40% लैंड में कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और मिक्स यूज के लिए डेवलपमेंट होंगे। यहाँ दोस्तों होटल, हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, स्मॉल एंड बिग रिटेल और इंटरटेनमेंट हब का निर्माण होगा। दोस्तों, ऑरिक सिटी में 15 सेक्टर्स होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं ऑरिक सिटी में पाई जाने वाली मेजर फैसिलिटीज की। यहाँ पर दोस्तों अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इफिशियंट ऑपरेशन, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, वाटर रिसाइकल की व्यवस्था, इसके अलावा दोस्तों स्ट्रीट पर लाइटनिंग की व्यवस्था, रोड्स पे जगह जगह पे रोड ओवर ब्रिज, STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, CCTV कैमरा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, लोकेशन सर्विस, वाइड वाईफाई फैसिलिटी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑरिक सिटी में ई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ऑरिक सिटी भारत की पहली ई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम वाली सिटी है। दोस्तों, ई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से ऑरिक सिटी में लैंड अलॉटमेंट, बिल्डिंग प्लान, परमिट और बहुत सारी एक्टिविटीज पर ऑनलाइन काम हो रहा है। साथ ही ये सिस्टम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में भी मदद कर रहा है। साथ ही दोस्तों, ऑरिक सिटी में 25,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस बिल्डिंग में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं और दोस्तों इसके अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल रूम है जो दोस्तों इस पूरी सिटी पर निगरानी रखेगा। ओवरऑल दोस्तों ऑरिक सिटी का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और इसके पास स्मार्ट सिटी में पाई जाने वाली सारी बेसिक सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, ऑरिक सिटी औरंगाबाद सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। वहीं औरंगाबाद एयरपोर्ट से या कहें तो संभाजी महाराज एयरपोर्ट से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये रेलवे स्टेशन से भी वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ऑरिक सिटी धुले नर्दना इन्वेस्टमेंट रीजन में आती है। इसके साथ दोस्तों 8 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन में ऑरिक सिटी भी शामिल है। दोस्तों, जब हम एक इंडस्ट्रियल सिटी की बात करते हैं तो पोल्यूशन, शहर के अगल बगल गंदगी, डिप्रेस्ड लेबर, नॉइस पोल्यूशन, सूखा एरिया नजर में आता है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल सिटी कुछ अलग होगी। इसको सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सिटी की तरह विकसित किया जा रहा है जो कि एक जापानी बेस्ड कंपनी की सहायता से किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स पे काम हो रहा है जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सिटी के डेवलपमेंट में जरूरी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है और यहाँ एक बड़े STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों ऑरिक सिटी में अच्छा और फ्रेश एनवायरनमेंट देने के लिए जगह जगह पर पार्क्स, लेक्स, वॉकिंग एरिया का निर्माण होगा ताकि दोस्तों लोग सही से रह सकें एवं दोस्तों वो फुल पोटेंशियल से काम कर सकें। अगर दोस्तों वो फुल पोटेंशियल से काम करेंगे तो कंपनीज का बेटर आउटपुट निकल के आएगा। दोस्तों, ऑरिक सिटी का मेन पर्पस इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हब के रूप में उभर के आना है। इसके अलावा दोस्तों ये संभावना है कि ऑरिक सिटी के डेवलपमेंट से 280,000 लोगों को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड होगी और इसके साथ दोस्तों ये अनुमान है कि लगभग 220,000 लोगों को डायरेक्ट और 110,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी। दोस्तों, ऑरिक सिटी में नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो रही है जिसमें दोस्तों इंडियन, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, UK और जापान की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है जिसमें दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन, पार्किंस, लुपिन, बजाज ऑटो, कैप्टन ग्रेप्स, स्कोडा, सीमेंट्स, अजंता फार्मा, हाइसोंग, इंडस्ट हाउसर आदि। और दोस्तों 165 प्लस से ज्यादा कंपनीज ऑरिक सिटी के अंदर अपना प्लान सेटअप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर दोस्तों इस सिटी का अभी करंट स्टेटस देखें, दोस्तों इस सिटी में लगभग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम हो चुका है और 50 से ज्यादा कंपनीज ने यहाँ से प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहीं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए।